अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। नाश्ते में चाय के साथ अगर वेनिला कपकेक मिल जाए तो क्या ही बात है। सिर्फ 1.5 कप मैदे से पूरे 8 पीस बहुत ही टेस्टी चॉकलेट चिप केक्स किस तरह से बनाएंगे, चलिए देख लेते हैं इसका बनाने का तरीका। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए, 1 चम्मच जितना हमने इसमें वेनिला एसेंस डालना है, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1/2 कप मेल्टेड घी। बटर भी आप ले सकते हैं और ऑयल भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पर घी लिया है। 1 कप भर के आपने इसमें पाउडर शुगर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। नाप का आपने ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी 1 प्याले के नाप से लिया है। तो 1/2 कप यहाँ पर घी लेना है हमें, 1 कप शक्कर लेना है और 1.5 कप हमने मैदा लेना है। तो मैदे को हमने छान कर डालना है, एक छलनी रख लेंगे बड़ी सी और उस पर हमने पहले 1 कप मैदा डाल दिया है और इसे छान लेंगे। उसके बाद 1/2 कप मैदा और लेना है, ये देखिए 1/2 कप है, 1/2 कप मैदा और लेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1 बड़ा सा चम्मच है बेकिंग पाउडर ले लेंगे, और 1 पैकेट ये जो एवरीडे का मिल्क पाउडर आता है वो डाल देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो मिल्क पाउडर ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, इससे अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर इसे छान लिया है मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स करना है, तो ये बैटर अभी ड्राई लगेगा। तो इसमें हमने दूध ऐड करना है, दूध भी हमने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, छोटा कप है, तो अगर आप बड़ा कप लेंगे दूध का तो उससे पहले थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, मिलाएंगे फिर ऐड करेंगे। यहाँ पर छोटा सा कप था इसलिए मैंने डायरेक्ट डाल दिया इसमें सारा, और फिर इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है, अच्छे से घुमाते हुए एक ही तरफ हमने इसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह का इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाना चाहिए और ये इस तरह की कंसिस्टेंसीज की होनी चाहिए। अब हमारा बैटर रेडी हो गया है, मैं इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर रही हूँ, तो 1 मुट्ठी भर के चॉकलेट चिप इसमें डाल देना है और फिर एक बार इसे चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। कंसिस्टेंसी का आपने ख्याल रखना है, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी है ये, और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसे जमाने के लिए मैंने ये फॉइल पेपर वाले कप केक्स लिए हैं, तो इसमें बहुत ही अच्छे से जम जाते हैं और बहुत ही आसानी के साथ निकल जाते हैं केक। तो आप चाहे तो जो पेपर वाले आते हैं कपकेक्स उसमें भी बना सकते हैं, या फिर इस तरह के सिल्वर फॉइल वाले पेपर के कपकेक मिलते हैं बाज़ार में, अवेलेबल होते हैं इजीली, ये भी आप ले सकते हैं। और इसमें हमने एक लेडल की मदद से डालना है, एक ही नाप से हम लेंगे तो सारे केक जो है एक ही नाप के बराबर बनेंगे, और ऊपर से थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ देना है, पूरा एकदम नहीं भरेंगे, क्योंकि केक जब तैयार होता है तो फूल जाता है वो, तो ऊपर आ जाएगा बैटर, इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर से खाली रखना है, जगह छोड़ देना है। 3/4 कप ही हमने इसमें बैटर को डालना है। अब ऊपर से हमने इस पर चॉकलेट चिप्स डाल दी है और इसे हम बेक कर लेंगे। मैंने इसे 180 डिग्रीज पर पूरे 30 मिनट के लिए बेक किया है, और ये देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है। केक जो है ना हमारा 20 या 25 मिनट में ही रेडी हो जाता है, मैंने इसमें स्टिक डालकर चेक कर लिया था, बस मुझे अच्छा सा कलर चाहिए था इसलिए मैंने 5 से 10 मिनट इसे और बेक किया है, तो अच्छा सा कलर आ गया गोल्डन सा, और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, जैसा हम दुकान से लाते हैं ना बिल्कुल वैसा ही केक बनकर रेडी हुआ है। तो इसे आप सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, शाम में चाय के साथ इसे आप इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी केक बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें न्यू अपडेट्स के लिए। मैं आपको एक केक बताती हूँ, देखिए कितनी आसानी से निकल जाता है, और इसके चॉकलेट चिप्स भी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा जब हम खाएंगे ना, तो चॉकलेट चिप का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है केक के साथ में। तो ये बीच में से मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए बहुत ही परफेक्ट केक बना है, जालीदार एकदम। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।